टॉप क्लास की अडर की क्वालिटी, थनों के अंदर शानदार गैप और इतनी बढ़िया जब गौ माता बिना सिंगों के जब अपने को देखने को मिले और वो भी बिल्कुल ताजी ब्याई हुई और बिल्कुल शांत स्वभाव की, तो आज की गाय हो सकती है दोस्तों आपके लिए खास। तो उससे पहले जो भी भाई आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जाइए, क्योंकि जो हर रोज़ हम आपके लिए देसी गोवंश के प्रति जो वीडियो लेके आते रहते हैं उसकी नोटिफिकेशन, उस गाय के बारे में जानकारी आप तक समय समय पर मिलती रहे। और अगर दोस्तों हमारे द्वारा दिखाए गए अगर ये देसी गोधन अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपके जो अपने दोस्त हैं उनको 3 दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि अपने घर के जो हर घर पर जो अपने देसी गोवंश पहुँचाने की जो मुहिम लेके चले हैं वो सफल हो सके। हर हर घर पर एक देसी गोवंश होनी चाहिए, फिर चाहे वो देसी गोवंश आप हमारे से खरीदिए या फिर किसी अन्य किसान से, चाहे वो आप अपने लोकल एरिया से खरीदिए या फिर किसी और किसान से, किसी से भी चाहे खरीद लीजिए, पर हर घर पर एक देसी गोवंश जरूर होनी चाहिए। और जिसके फायदे क्या हैं हम आपको वो भी बताएंगे। देसी गोवंश का जो दूध है वो हमारे लिए अमृत के समान है, और अमृत तुल्य जो मिल्क है जो HF गाय या होलिस्टन गाय या फिर जर्सी गाय के बजाय जो देसी गाय का दूध रहता है वो चाहे फिर थोड़ा कम भी क्यों न रहे, और जिसका जो दूध है हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही बढ़िया रहता है। और इसके बाद अगर दोस्तों इस गाय के बारे में बात करें तो गाय ने भी सेकंड टाइम मेल काफ को जन्म दिया है, यानी कि इसके अभी पीछे बछड़ा है और दूसरी बार अभी इसने बच्चा दिया है। इस गाय की डिलीवरी रात को ही हुई है, और इसकी दूध देने की क्षमता के बारे में अगर जानना चाहें तो इस गाय की जिससे कि मटर की क्वालिटी को देख के या फिर जो इसे कि किसान ने बताया है कुछ, तो उसके अनुसार हम इसके बता सकते हैं कि जो इसकी जो दूध देने की क्षमता है वो करीब 14 लीटर के करीब की आंकी जा रही है। गाय ने दूसरी बार अभी बच्चा दी है, पहली बार के अंदर गाय के 12 लीटर के करीब दूध निकाला हुआ है, और अब की बार जब दूसरी बार इसकी डिलीवरी हुई है तो जिससे कि हम आशा कर सकते हैं कि ये गाय लगभग 13 और 14 लीटर के समथिंग दूध आराम से निकाल सकती है। और जो बछड़ा है वो पीछे वो भी आप देख सकते हैं, एक शानदार हम साइज़ का बहुत ही बढ़िया और गहरे लाल कलर लिए हुए है। ये बछड़ा है जो अपने बुल के काम में भी आ सकता है और जो खेत जोतने के लिए भी आपको काम देगा। और इसकी अगर दूध देने की क्षमता, इसकी धार वगैरह की अगर हम बात करें तो जो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर है उस नंबरों पर कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं, और जो गाय की जो मिल्किंग की वीडियो आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए जो शाम के टाइम में जो इसकी मिल्किंग की वीडियो भी हम लेके आएंगे। तो जो भाई इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, इस गाय के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। गाय के अगर हम पीठ पुठे की बात करें, हम साइज़ की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है। अडर की जो क्वालिटी है वो भी बहुत शानदार है। अडर के अंदर जो मुठिया थन और थनों के अंदर जो बीच में जो आप गैप देख रहे हैं, गैप भी बहुत बढ़िया है। और इतनी शानदार और टॉप क्लास के अडर की क्वालिटी वाली गाय जो आज हम आपके लिए सेल के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, और वो भी भाइयों एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस के अंदर, जो किसान भाई खरीदना चाहते हैं इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉल एंड व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट सुविधा की अगर हम बात करें तो कोई भी किसान भाई अगर कहीं से भी है तो हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट सुविधा के अनुसार आपके घर तक होम डिलीवरी मिलेगी, यानी कि ये देसी गोवंश जो भी किसान भाई खरीदते हैं तो उनके घर पर पहुंचा दी जाती है। और कुछ किसान भाई चाहते हैं कि हम विजिट करके खरीदेंगे तो विजिट करने के लिए भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, जिससे कि आप हमारे डेयरी फार्म पर लगभग 30 से 40 गाय जो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर राठी में, साहिवाल में, थारपारकर में इत्यादि गाय आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आप अपनी पसंद के अनुसार गौ माता का चयन करके गाय को पसंद करके आप अपने घर पर ले जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सुविधा के बारे में आपको अधिक और अधिक जानकारी लेने के लिए कॉल एंड व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर ये दिखाई कि देसी गोवंश अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय गो माता।